अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बीना बकरम का गला हम कैसे बना सकते हैं। तो ये उन बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जिसने अभी अभी सिलाई सीखी है या फिर सिलाई का काम बहुत ही कम आते हैं जो घरेलू महिलाएँ होते हैं, उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसका कटिंग मैंने पहले शेयर किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो मेरा अभी तक नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा आपको समझ में आएगा। तो देखिए, मैंने इस कुर्ती को सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े में कटिंग किया था, और देखिए ये मैंने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है। तो देखिए, जो कटिंग से कपड़ा बचा था आर्म होल से या फिर नेक से गले से जो कपड़ा बचा था उसी से मैं आपको ये सिखा रही हूँ। देखिए, तो मैं बहुत ही कम कपड़ा यूज़ करके आपको बता रही हूँ। तो देखिए, इस कपड़े को हम लेंगे तो देखिए ये हमारा किनारा होता है, किनारी होती है। देखिए ये जो बॉर्डर होता है कपड़े का, और ये हमारा सीधा कपड़ा होता है। तो देखिए, इसको अगर खींचेंगे तो ये खींचेगा नहीं। तो आज मैं सिखाऊंगी आपको बायस पट्टी यानी कि तिरछी पट्टी को यूज़ करके गला बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए, ये हमारा किनारी हो गया, इसको अगर ये सीधा कपड़ा हो गया, देखिए ये जो वाला है ये किनारी है। अगर इसको इस तरह से तिरछे में पकड़ेंगे, देखिए ये सीधा है और यहाँ से बायस पट्टी हमेशा तिरछे में काटा जाता है। तो देखिए, यहाँ से अगर तिरछे में पकड़ेंगे तो देखिए इसमें खिंचाव होता है, ये स्ट्रेच होता है। तो इसको बायस यहाँ से ही बायस पट्टी काटा जाता है। अगर इधर से खींचेंगे तो देखिए कोई खिंचाव महसूस नहीं होगा, आप खींच नहीं पाएंगे सीधी तरफ से खींचेंगे। तो हमें बायस पट्टी कटिंग करना है तो तिरछे में कटिंग करना है। तो देखिए, मैं 1-1 इंच का बायस पट्टी कटिंग करूँगी। तो ये मेरा स्केल 1 इंच का है, तो इस तरह से मैं 1-1 इंच का बायस पट्टी कटिंग कर लूँगी। आप अगर चाहे तो मेजर करके भी काट सकते हैं। तो देखिए, मैंने मार्किंग कर लिया है, अब इसी मार्किंग से हमें सारे पट्टियों को कटिंग कर लेना है। तो देखिए, मैंने सारे पट्टी को कटिंग कर लिया है। तो देखिए, ये मेरा छोटा सा कपड़ा था जो आर्म होल से बचा हुआ था। तो देखिए, मैंने किस तरह से कटिंग किया है आपको देख के समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, मैंने तिरछे में कटिंग कर लिया है। अब इन सब पट्टियों को हमें जोड़ के एक बड़ा पट्टी बनाना है। तो देखिए, ये बायस पट्टी होता है, इसको थोड़ा खींचेंगे तो ये स्ट्रेच होता है। तो देखिए, ये जो तिरछापन है ना, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर बिगिनर्स हैं तो आपको दिक्कत आएगा, तो इसलिए मैं आपको इसको सीधे में ही जोड़ना बता रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, जो किनारी है इसको मैं सीधा कर लेती हूँ पहले। अब इन सारे पट्टियों को जोड़ के हम एक बड़ा पट्टी बना लेंगे। देखिए, मैं इसलिए आपको आसान तरीका बता रही हूँ, अगर आपको कम सिलाई आता हो और घर बैठे सिलाई करना चाहते हैं तो आपको आसानी हो, इसलिए मैं आपको एकदम ईजी तरीका दिखा रही हूँ। तो देखिए, मेरा पट्टी अभी रेडी है, अब इसको हम गले में लगाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बायस पट्टी से सिखा रही हूँ, मैं अगले वीडियो में आपको नेक का जो मार्किंग करके होता है वो वाला दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने कुर्ती को ले लिया है। तो देखिए, मैंने कुर्ती को सीधा रखा है, और ये मेरे सीधी साइड है, और देखिए नीचे की साइड ये मेरा उल्टी साइड है, और नीचे की साइड देखिए उल्टी साइड है। तो सीधी साइड से ही हमें पट्टी को लगाना है। तो देखिए, इसका भी पट्टी का भी जो सीधी साइड है इसको इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे, यानी दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ होना चाहिए। और अभी यहाँ पर किनारी किनारे पे हमें सिलाई लगाना है, हाफ इंच से भी कम मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगाना है। ये जो फुट है, फुट का जो छोटा पैड होता है उतना मार्जिन लेके आपको सिलाई करना है। तो देखिए, ये जो पट्टी है ये थोड़ा स्ट्रेच होता है, तो हल्के हाथ से खींचते हुए हमें इसको लगाना है, पर ज़्यादा मत खींचेगा नहीं तो ये क्या होगा, ये उड़ जाएगा। तो देखिए, पूरे में हमें पूरे गोलाई में इसको सिलाई कर लेना है, नेक में गले में हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हाफ इंच से भी कम मार्जिन लेते हुए मैंने सिलाई किया हुआ है। अब इसमें छोटा छोटा कट लगाना है। देखिए, पहले ही कट लगा लीजिएगा, मैंने कट लगाते भूल गया था, फिर बाद में मैंने कट लगाया। तो ये जो मार्जिन है इसको हम पट्टी की तरफ करेंगे। देखिए, ये नेक का जो मार्जिन है इसको हमें, अगर गला आपको फिनिशिंग से चाहिए तो ये जो मार्जिन है देखिए
मैं आपको एक बार दिखाने के लिए दिखा रही हूँ। पहले आप इस तरह से इसको आयरन भी कर सकते हैं, और बाद में देखिए इस पट्टी को मोड़ के अंदर की तरफ यहाँ पर हाथ से तुरपाई करना होगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको बाद में तुरपाई करना होगा। तो पहले आप इसको अच्छे से आयरन से सेट कर लीजिए। और देखिए अगर आपको अच्छे से फिनिशिंग से रेडी करना है तो ये जो मार्जिन है इसको पट्टी की तरफ करेंगे देखिए, और इस वाले किनारी पे यानी कि जिधर पट्टी है उधर एक सिलाई लगा देना है। देखिए यहाँ से मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ से पूरे में एक सिलाई लगा देना है। तो मैंने गलती किया था, पहले ही सिलाई कर दिया था, मैंने कट लगाना भूल गया था, फिर बाद में मैंने कट लगाया था। लेकिन आप इस कट को पहले ही लगा लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ये फोल्ड करने में बहुत दिक्कत आएगा और फिनिशिंग से नहीं बनेगा। तो देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। तो देखिए ये जो सिलाई है हमें नेक की तरफ नहीं अंदर की तरफ करना है, जिधर पट्टी लगाया है उस तरफ मैंने लगाया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको अच्छे से पहले आप आयरन से सेट कर लीजिए। देखिए इसमें हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे। तो ये जो कट है आप पहले ही लगा लीजिएगा, ये चाप सिलाई लगाने से पहले ही लगा लीजिएगा तो आसानी होता है। मैं भूल गई थी तो अभी कट लगा रही हूँ। कट लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है, कहीं इसमें सिलाई ना कट जाए, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि सिलाई कटना नहीं चाहिए। बाकी आप इस तरह से भी कट लगा सकते हैं बाद में। कट लगाने से क्या होता है, ये जो कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से फोल्ड होता है और इसमें ना कोई सिकुड़न नहीं होता है, तो फिनिशिंग से गला बनता है। तो देखिए मैंने पूरे में छोटा छोटा कट लगा दिया है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको जो सिलाई लगाएंगे इसको मोटा सिलाई लगाना है, क्योंकि इसको हमें बाद में उधेड़ना है और इसमें हाथ की सिलाई जो होता है तुरपाई है वो करना है। आप चाहे तो अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए दिखा रही हूँ तो इसमें थोड़ा दिक्कत आता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं भी इस तरह से सिलाई करती हूँ कि मैं पहले इसको एक बार सिलाई लगा लेती हूँ, फिर हाथ का तुरपाई करके ये वाला जो मशीन का सिलाई है उसको खोल देती हूँ। तो देखिए मैं इसको अच्छे से आप पहले आयरन से सेट कर लीजिए तो आसानी होता है। तो आयरन से सेट करने के बाद इसको पूरे गोलाई में हमें सिलाई लगा देना है। तो ये मेरा नेक बन के रेडी हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और प्रोसेस दिखाऊंगी, बिना बकरम का ही दिखाऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए ये मेरा गला बन के रेडी हो गया है। मैंने इसको आयरन नहीं किया था तो ये अच्छे से सेट नहीं हुआ है, और बाद में इसको खोल के हमें तुरपाई भी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।